है ना, कल सुबह बोले तो सुबह हो तो मॉर्निंग मॉर्निंग, हाँ वही बोले मैं, रात नहीं बोले, कल सुबह। स्टार्टिंग हाँ तो कल सुबह एक अर्ली मॉर्निंग्स में, अर्ली मॉर्निंग हमको एक डायल 100 से एक कॉल आ गया, एक आदमी का कत्ल हुआ बोल के एक कॉल आ गई। तो इमीडिएटली बालापुर पुलिस स्टेशन से हमारे पुलिस लोग उधर जाके देखे तो एक बॉडी आइडेंटिफाई करे, तो उनका कत्ल किया हुआ। तो बॉडी को आइडेंटिफाई करे तो उनका नाम मुबारक अब्दुल बिन अलियास मुबारक सिगर, एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ बालापुर पुलिस स्टेशन। तो इमीडिएटली कंप्लेंट लेके एक FIR इश्यू करे बालापुर पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 302 IPC में। तो बॉडी को शिफ्ट करे, प्रोसीजर जो रहता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, क्लूज टीम विजिट करे, डॉग स्क्वाड विजिट करे। तो उधर सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा भी करे। उधर सीन में हमको एक बेसबॉल बैट जो टूटा हुआ है वो मिला, और एक बड़ा स्टिक, उनका एंड में एक नेल भी है, पूरा ब्लड 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 भी है उसमें। तो वो पूरा सीज करके इमीडिएटली ए अक्यूज्ड को अप्रहेंड करने के लिए SOT जॉइंट ऑपरेशन का मुरली सर के गाइडेंस में, और हमारा एडिशनल DCP सत्यनारायण गारू और ACP महेश्वरम, बालापुर इंस्पेक्टर और जंगैया इंस्पेक्टर, पूरा टीम्स अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई अरेस्ट करने के लिए भी जाए। तो फिर इंक्वेस्ट करने के बाद तो ये अक्यूज्ड A1 के घर में, A2 के घर में हमको मिला है। A1 आदिल शेख इस्माइल अलियास आदिल। तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री देखे तो ये भी बालापुर रेजिडेंट का है, मगर लंगर हाउस में इनका राउडी शीट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल पहले ही ना शिफ्ट हो गए उनके ग्रैंड मदर के हाउस पे। तो इनके ऊपर 11 केसेस है और लंगर हाउस में राउडी शीट भी मेंटेन कर रहे हैं। और A2 शेख आमिर अलियास शाह शाहब, ये भी रेसिडेंट ऑफ बालापुर है, इनके ऊपर भी 6 केसेस है और राजेंद्र नगर में राउडी शीट भी है। A3 मोहम्मद सैयद अलियास नाजिर, इनके ऊपर 2 केसेस है, बालापुर रेसिडेंट है। A4 शेख हुसैन बालापुर रेसिडेंट है। इन लोगों को A2 के घर पे पकड़े हम, तो पकड़ने के बाद उन लोगों के पास हम ये जो ब्लड स्टेन का जो क्लॉथ्स क्राइम में यूज़ करे वो सीज करे, और वेपन्स जो चाकू रहते 4 वेपन्स यूज़ करे, पूरा ब्लड स्टेन भी उनके वो वेपन्स के ऊपर है, और 3 मोबाइल फ़ोन्स भी सीज करे। तो ये जब हो रहा था तो फिर हमारा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से SOT और हमारा बालापुर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो डिप्लॉय करे हम, सो उनके वो लोग फिर A5 to A8 को फिर A5 के रेसिडेंस में पकड़े इनको। A5 अब्दुल फरीद खान, और A6 सैयद काजा, A7 सैयद इलियास, A8 मोहम्मद सामिर, ये पूरा बालापुर के लोग हैं, आदिल के जान पहचान के लोग हैं, आदिल जो A1 है जान पहचान के लोग हैं। तो इन लोगों को सबको हम पकड़ के इनके पास, ये A5 to A8 के पास हम 4 बाइक्स, 3 स्कूटी और 1 पल्सर, और ब्लड स्टेन जो क्लॉथ्स रहता उनको भी सीज करे, और हम ये इन लोगों को कल रात अरेस्ट करें, अभी रिमांड को भेज रहे हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी, ये जो क्राइम का ये जो कॉन्टेम्पलेशन मीटिंग ऑफ माइंड बोलते, तो ये जो पूरा मिला के एक प्लान, पक्का प्लान बना के डिसीज्ड को मारने के एक प्लान बना के इनको मारे। ये 7th को आदिल के जो जान पहचान के लोग अक्यूज्ड, बाकी का जो 7 अक्यूज्ड है वो उन्होंने आदिल के पास जाके डिसीज्ड के ऊपर कंप्लेंट कर रहे, इन्होंने ये हरास कर रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे, पैसे ले रहे, फोर्सबली पैसे ले रहे, व्हीकल्स ले रहे, मोबाइल फ़ोन्स ले रहे, फिर वापस नहीं दे रहे, अगर पूछे तो फिर पैसे पूछ रहे बोल के थोड़ा उनको समझाने के लिए आदिल को बोले। फिर भी उसके बाद भी 7th के बाद भी फिर और हेरासमेंट करे ये डिसीज्ड एक्यूज्ड लोगों को। तो एक बार कोशिश करे उन्होंने समझाने के लिए कोशिश करे आदिल, फिर उन्होंने नहीं सुना, डिसीज्ड नहीं सुना। तो फिर एक प्लान, पक्का प्लान बनाए इन्होंने, एक जगह में मिल के पूरा इनको कत्ल करने की प्लान बना के, तो 4 व्हीकल्स के ऊपर ये 8 आदमी मिला के इनको ढूंढ रहे। तो फिर ये
शाहीन नगर में इंसिडेंटली ये जो डिसीज्ड है सिकर मुबारक सिकर, तो इनके सामने आ गए, तो फिर इमिडिएटली एक ऐसा अल्टरकेशन हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वो आर्ग्यूमेंट में इमिडिएटली ये जो 8 अक्यूज्ड है वेपन से उनको मारे, पूरा चाकू से मारे, स्टैबिंग इंजरीज है, हेड इंजरीज है, बेसबॉल से मारे, तो इमिडिएटली वो उनका डेथ हो गया। टोटल कितने हथियारों का इस्तेमाल हुआ, वेपन्स का इस्तेमाल हुआ इसमें? टोटल 4 चाकू एंड देन 1 बेसबॉल बैट, एक लंबा स्टिक। प्रीवियस कितने केसेस थे मैडम ये मुबारक सीकर पे? 23 केसेस है, और इनके ऊपर ये भी एलिगेशन है, ये जो अक्यूज्ड का ये जो बोल रहे हैं उनको पूरा होमोसेक्सुअल करने के लिए पूरा हैरास कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा उनको थ्रेटनिंग करने के लिए भी आदिल से रिक्वेस्ट करें, मगर वो नहीं सुन रहे थे, तो ज़्यादा तक लोगों को ऐसा सता रहे उन्होंने, डिसीज्ड जो सिकर है, तो ये पूरा मिला के उनको माइंड में रख के हत्या करें। आए दिन शाहीन नगर के अतराफ में गांजे को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसके ऊपर पुलिस क्या एक्शन लेगी? क्योंकि आए बहुत दिनों से गांजे को लेकर हो रहा है और जगह जगह पर मर्डर हो रहे हैं ऐसे पिछले 3-4 साल में, तो ऐसी जगहों पे हो रहे, तो गांजे की वजह से, तो उसके लिए पुलिस क्या करेगी? अभी गांजा के बारे में बोले तो गवर्नमेंट एक ब्यूरो बनाए, तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो बनाए, और ये गवर्नमेंट पूरा तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स गवर्नमेंट को पूरा स्ट्रेंथन करके पूरा पुलिस लोगों के साथ वो पूरा भर्ती करे, वो लोग स्पेशली गांजा के बारे में पूरा ड्राइव्स करते, ऑपरेशंस करते, और लोकल पुलिस से मिलके पूरा नारकोटिक्स फ्री जनरेशन तेलंगाना, ड्रग फ्री तेलंगाना करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और हमारे तरफ से भी लोगों से ये विनती है अगर कोई ऐसा कंप्लेंस है नारकोटिक्स का, गांजा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा जनरेशन से यंग जनरेशन का ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो फिर प्लीज़ डू कॉल लोकल पुलिस स्टेशन और मी ऑल्सो, सो इमिडिएटली हम वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। मेडिकल शॉप पे भी जो गोलियां मिल रही हैं बच्चे इंजेक्शन और मासूम बच्चे 16 साल 17 साल के बच्चे जो है रातों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तो अगर नारकोटिक ड्रग्स है वो, तो इस पर थोड़ा डिफरेंस रहता है, मेडिसिनल ड्रग्स अलग है और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, वो नारकोटिक ड्रग्स अलग है, मेडिसिनल ड्रग्स थोड़ा ज़्यादा लिए तो सेडेशन रहता, मगर वो मेडिसिनल ड्रग्स की विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दिए तो वो ऑफेंस होता, तो ऐसा अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो फिर हमको बोल दीजिए और हम भी ऐसा राइड्स भी करेंगे। थैंक यू। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल, हज उमरा लो बजट बेहतरीन ग्रुप सर्विस, हर महीना 4 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है, रजब शाबान रमजान और हज कम से कम कीमत में बुकिंग तेजी से जारी है, बेहतरीन सर्विस हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल का एक ही मकसद, हर मुसलमान का उमरा हज अदा हो, ज्यादा रकम होने की वजह से जो हज उमरा नहीं जा सकते, हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल ने अब ये तकलीफ भी दूर कर दी है, कम से कम प्राइस में मक्का होटल 250 मीटर मदीना होटल 100 मीटर अहराम फ्री, जमजम वाटर फ्री, शोल्डर बैग फ्री, आलिम दीन की निगरानी में मक्का मदीने की जियारतें, 3 टाइम हैदराबादी लजीज जायकेदार खाना, लॉन्ड्री सर्विस, वीजा इंश्योरेंस, रूम सर्विस, एसी बस ट्रांसपोर्टेशन, एयर टिकट, डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद टू जिद्दा, जिद्दा टू हैदराबाद, रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाला इन मुबारक सफर से फायदा उठाए, उमरा जाने वालों का पासपोर्ट ना हो तो पासपोर्ट की सर्विस भी मिलेंगी, हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल को खिदमत का मौका जरूर दे, भरोसा आपका खिदमत हमारी, देर ना करे फौरी कॉन्ट्रैक्ट करे 9346268715 6305 1432 23। स्वागत है ऑस्कर सिटी में, रिच अर्थ प्रमोटर्स और डेवलपर्स द्वारा एक सुरक्षित खेती योजना, खरीदे जमीन विकाराबाद तेलंगाना जिले में नेशनल हाईवे और रीजनल रिंग रोड के करीब, इन्वेस्ट करें सिर्फ 5,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड से, हर प्लॉट के साथ 20 मालाबार नीम पेड़ और 2 फलों के पेड़ का आनंद उठाएं, हम देते हैं क्लियर टाइटल्स, फ्री फैमिली साइट विजिट और 5 साल के बाद डबल प्राइस के साथ मनी बैक गारंटी, ये हम आपको 100 रूपए के बॉन्ड पेपर पर रिटर्न प्रॉमिस करके देते हैं, तो देर मत कीजिए, हमें कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पर और अपने भविष्य में आज ही निवेश करें, धन्यवाद।